मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है क्योंकि आप उनके साथ चलते हैं, उनसे बोलते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, इसलिए प्रभु आपसे बहुत खुश है। आज परमेश्वर का वचन ये है, भजन संहिता 34वां अध्याय 17वां वचन में, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी जन जब पुकारते हैं प्रभु ध्यान से सुनते हैं, उनकी विपत्तियों से परमेश्वर उनकी सारी बातों से वो छुड़ाता है। कोई बातों में आपको छुटकारा चाहिए ना, विपत्ति में, दुख में आपको दबाता है, क्या मुझे छुटकारा मिलेगा, कब मिलेगा करके आज आप सोच रहे हैं ना। आप धर्मी है ना, यीशु के लहू से धोए हुए सब लोग धर्मी है वचन के अनुसार। इसलिए मैं धर्मी जन हूँ इस विश्वास के साथ, तेरे लहू से धोया हुआ संतान प्रभु जी मैं पुकारता हूँ, इस विपत्ति से मुझे छुड़ाइए। ऐसे बोल के देखेगा आज एक अद्भुत कामों को आप देखेंगे। क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है, आज यीशु को देख के आज पुकारेंगे। आज आप पुकारना है, ठीक है, आइए मिलके। पिताजी, धर्मी जन के रूप में तेरे पुत्र यीशु के लहू से मैं बदल दिया प्रभु जी, आज मैं पुकारता हूँ, इस विपत्ति से आज मुझे छुड़ाइए प्रभु, इस कर्जा में से प्रभु, परिवार की परेशानी से प्रभु, इस विपत्ति में से प्रभु, मुझे छुटकारा और विजय आज चाहिए प्रभु। एक अद्भुत रीति से आज एक परिवर्तन होना चाहिए प्रभु जी, आप करेंगे मैं विश्वास करता हूँ। तेरे वचन के अनुसार छुटकारा देके इन लोगों को तू आशीष देता है प्रभु जी। स्तुति वो, स्तुति वो, यीशु के नाम से आमेन आमेन।